वो लड़की है ही इतनी शातिर, इसलिए तो आप जैसी परम ज्ञानी को मूर्ख बना के भाग गई। मेरा विवाह हनी साहब के बेटे के साथ, वो अड़ियल घुड़सवार सच कह रहा था, वो माधव मुझे सच में बेचने वाला था। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मुझे पता है कि तुम मेरी सच्चाई और इस महल के रहस्य के बारे में सब कुछ जान चुकी है। इससे पहले कि इस 21 साल के रहस्य के बारे में तू सबको जाकर बताए, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मौन कर दूंगी। धरती निकल गई, आसमान खा गया उसे। कहां गई वो? जिसके लिए इसने हमें अपने कमरे से धक्का देकर निकाला था, लगता है आज उसी ने इसे धक्का, हमारा मतलब है धोखा दे दिया और उस लड़की को गायब कर दिया। वैसे जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ कनक, बहुत उड़ रही थी ना ये डाकिनी, अब देख कैसे मामूली सी लड़की इसके नाक के नीचे फुर हो गई। ए गुंगा, तूने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था उस लड़की को बचाने के लिए? मुझे माफ कर दीजिए रानी साहब। तुझे पता है जब चंद्रलेखा बोलती है तो सब चुप हो जाते हैं, फिर तू बीच में कैसे बोला? अब ये ले। ए गुंगा, सच सच बता दे वरना मैं तुझे भी मकड़ी बना दूंगी। ये लो, ये डाकिनी भी ना लोगों को बस मकड़ी बना रही है, और देख बस आफत में कैसे इसे मूर्ख बना के चली गई। माफ कीजिए रानी मां, इस सब में इन सब की कोई गलती नहीं, वो लड़की है ही इतनी शातिर, इसलिए तो आप जैसी परम ज्ञानी को मूर्ख बना के भाग गई। और अधिराज पर भी ऐसा जादू किया है कि वो अधिराज जो पूरा दिन मां मां रटता रहता था और अब पूरा दिन सुनैना सुनैना जपते रहते हैं। लगता है स्वराज को वापस लाना ही होगा। पता है नानी, रानी साहब तो जानती भी नहीं है मैं उनकी सबसे अच्छी सहेली की बेटी, फिर भी उन्होंने मेरी जान बचाई। वो जाकर भी वहां से भाग नहीं सकती थी, पर उन्होंने मुझे बाहर जाने का रास्ता बताया। सच में अच्छे लोग चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो अच्छाई करना नहीं भूलते। पता है सुनैना, तेरा और उनका एक रिश्ता भी है, और ये रिश्ता तब से है जब तू अपने माँ के गर्भ में थी। उन्होंने ही तेरा नाम सुनैना रखा था, और इसी रिश्ते ने आज तुम दोनों को मिलाया है। तू एक बात और जानती है सुनैना? क्या नानी? सालों तक जिस सुरंग में कोई नहीं पहुंच पाया, तू क्यों वहां पहुंच गई? क्यों नानी? क्योंकि तुझ पर अंबे माँ का आशीर्वाद है, उन्होंने ही तुझे उस गुप्त स्थान पर पहुंचाया है। रानी साहिब तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी सखी थी।
रानी साहिब, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि उत्तरा की गोद भराई की रस्म इतनी धूमधाम से होगी। पता नहीं आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं दाइमा? हमने बताया तो था आपकी जो ये संस्कारी सुंदर सुशील और उदार बेटी है, इसकी संतान और हमारी संतान का हमने गठबंधन कर दिया है। हमें पूरा विश्वास है दाइमा कि उत्तरा एक कन्या को जन्म देगी और हम एक पुत्र को। आप बस उस कन्या को हमारे घर भेज दीजिएगा हमारी बहू बनाकर। और कहते हैं ना कि कन्यादान से बड़ा कोई दान ही नहीं होता, तो हम कुछ भी कर लें वो कम ही होगा। और उत्तरा, हमें तो बस ऐसा लग रहा है कि जल्द से हमारे बच्चे इस दुनिया में आ जाए, झट से वो बड़े हो जाए और झट से हम उनका विवाह करते। हमें तो देखो ना उत्तरा, हम उनके विवाह के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनका नाम ही नहीं सोचा अब तक। तुमने सोचा कि तुम हमारी होने वाली बहू का नाम क्या रखोगी? रानी साहब, जन्म से पहले हो या जन्म के बाद, इस बच्चे पर मुझसे अधिक आपका अधिकार है, तो नाम भी आपके अलावा कोई और कैसे सोच सकता है? उत्तरा, हमें पूरा विश्वास है तुम्हारी बेटी तुम्हारी ही परछाई होगी, तुम्हारे जैसे ही सुंदर नैन नक्श होंगे उसके। और सुंदर नैनों वाली बेटी का हम नाम रखेंगे सुनैना। कितना विशाल हृदय है हमारी रानी साहिब का, और आज उनकी स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। माँ, इतनी सारी मकड़ियों में पता कैसे चलेगा कि स्वराज कौन है? तू ज्यादा बोल मत, वरना तू भी मकड़ी बनकर यहाँ सड़ेगी, इसलिए चुप रह। डरो मत, मैं यहाँ तुम लोगों को और दंड देने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं तुम लोगों को इस दंड से मुक्त होने का सुनहरा अवसर लेकर आई हूँ। अगर तुम लोग उस लड़की को ढूंढ कर लाने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम लोगों को इस रूप से मुक्त कर दूंगी। प्रणाम मासी। सुने ना बेटा, संदूक से वो चिट्ठी निकाल रही। पिछली बार मैं तुझे पढ़ने के लिए मना किया था, पर अब नहीं करूंगी। और आज हम एक निर्णय लेते हैं, यदि तुम्हारी बेटी हुई और हमारा बेटा, तो हम तुम्हारी बेटी को इस महल की बहू बनाएंगे, और ये हमारा वचन है। ये पत्र और आप हमारे इस वचन के साक्षी होंगे। क्या मेरा विवाह हनी साहब के बेटे के साथ? जब तक मैं अपने बेटे से नहीं मिलती मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। ये सब क्या हो रहा है? प्रेम हमारे साथ में और शादी किसी और के साथ में? इसका मतलब वो अड़ियल घोड़सवार
वो रानी साहिब का बेटा है। हो सकता है, अगर रानी साहिब जीवित हैं, तो उनका बेटा भी जीवित होगा। पर रानी साहिब कितनी दयालु है और वो अतराज कितना निर्दयी। हो सकता है उस डाकिनी की परवरिश का परिणाम हो। ये भी हो सकता है उस डाकिनी की काली शक्ति का कुप्रभाव हो राजकुमार पर। बेचारा अधिराज, उसकी तो कोई गलती नहीं है, बल्कि उसके साथ तो अन्याय हुआ है। उसके पिता की हत्या डाकिनी ने कर दी और उसकी माँ को बंदी बना दिया, और उसका दुर्भाग्य देखो, अपने पिता के हत्यारिन को वो माँ समझ बैठा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नानी, क्या हो रहा है? मैं सब समझ गई बेटा, ये सब अंबे माँ की लीला है। जिस रिश्ते की डोर से रानी साहब और तेरी माँ अपने बच्चों को बांधना चाहती थी, वो जाने अनजाने बंध चुके हैं। सोच बेटा, उस लड़के ने तुझे उस नीच माधव से बचाया, और फिर उस असाधारण मुहूर्त में तुझसे विवाह रचाया, और फिर तुझे उस महल में ले गया जहाँ से इस कहानी का आरंभ हुआ था। वो जो लड़का जिस महापुरुष से तुम विवाह करने वाली थी, वो विवाह बच्चा तुम्हें बेचने वाला था। इसका मतलब वो अड़ियल घुड़सवार सच कह रहा था, वो माधव मुझे सच में बेचने वाला था। हाँ बेटा, तुमसे मेरी उम्मीदें अधिक हैं क्योंकि तुम खास हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस दंड से मुक्त कर दिया। मैं आपको वचन देता हूँ मासी कि आपको कभी निराश नहीं करूंगा और आपकी हर एक उम्मीद पे खरा उतरूंगा। तो फिर जाओ, जाओ और जाकर उस आफत को ढूंढ कर ले आओ। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। जी मासी। और अगर उसे ढूंढ कर नहीं ला पाए तो कोई ऐसी चीज लेकर आना जिससे वो यहां आने पर विवश हो जाए। सुने ना बेटा, जरा वो आरती का थाल देना। हाँ लो रानी। बेटा तूने बहुत कष्ट झेला, पर अब और नहीं। भले ही तेरा विवाह अधिराज के साथ हुआ है, पर अब मैं तुझ पर उस महल की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। मैं तुझे लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, यदि वो डाकनी तुझे छोड़ेगी नहीं बेटा, नहीं छोड़ेगी तुझे। चलो बेटा चलो, सामान बांधो, हम लोग ये गांव छोड़कर ही चले जाते। चलो। नहीं नानी, मैं वापस उस महल में जाऊंगी नानी। हाँ नानी, जिन्होंने मेरी जान बचाई, मेरे परिवार को अपना समझकर मान सम्मान दिए, उस रानी साहिब को वो डाकिनी के चंगुल से बचाना मेरा कर्तव्य है। और एक माँ जो 21 साल से कैद में रहकर अपने बेटे की राह निहार रही है, उसे उनसे मिलवाना मेरा धर्म है। मैं अपने कर्तव्य से कभी नहीं मुकर सकती और अपना धर्म निभाए बिना मैं रह नहीं सकती, इसलिए मैं उस राजमहल में वापस जाऊंगी। जल्दी चलना ममता, पहले ही इतनी देर हो रही है। नानी तो आग बबूला हो रही होंगी, वैसे भी आजकल मुझसे चिड़चिड़ रहती है, और तू है कि उस लड़के से मिलने के चक्कर में मुझे इतनी दूर लेकर आ गई बिना बताए। चिंता मत कर तारा, जब तू अपने प्रेमी से मिलने जाएगी ना, तब मैं आ जाऊंगी तेरे साथ, फिर हो जाएगा ना हिसाब किताब बराबर। चल अब।
इतनी सुंदर लड़कियों को इस घने जंगल में डर नहीं लग रहा? अंबे माँ के भक्त कभी डरते नहीं है। वैसे ताराम, ये लड़का जितनी सुंदर है उतना ताकतवर भी है, तुम तो बड़ी भाग्यशाली निकली ना। अभी देर नहीं हो रही तुझे, घर नहीं जाना? हाँ जाना है ना, तू जा मैं आती हूँ। जल्दी आना वरना पता है ना नानी तुझे नानी याद दिला देगी। दिमाग खराब हो गया है तेरा। नानी आप ही ने कहा था ना कि मुझ पर अम्मे माँ की कृपा है, पर ये सारी लीला उन्होंने ही रची है। फिर देखते हैं ना आखिर अम्मे माँ मुझसे करवाना क्या चाहती है। तू ओखल में सर डालना चाहती है सुनैना, लेकिन मैं तुझे गलती नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। मैं अपनी गलती सुधारने जा रही हूँ नानी, अपने भाग्य से दूर भागने की गलती कर रही थी, पर अब नहीं, पर अब मैं सच्चाई का सामना करूंगी। एक पत्नी और एक बहू का हर कर्तव्य निभाऊंगी। क्या जरूरत थी इस घने जंगल में घूमने की, खुद का ख्याल नहीं रख सकती क्या? अगर मैं समय पर नहीं आता तो क्या होता? थोड़ी बहुत चोट लगती पर मर तो ना जाती। तारा ऐसा दोबारा मत बोलना। अब जाओ तुम, मैं भी जाता हूं, वरना नानी को पता चल गया तो खामखाम कुछ और भी सुना देगी। नानी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, उन्होंने तुम्हें हमेशा गलत समझा है, पर मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए तो बार बार हमें बचाया है। मैं जान बचाने वाला कौन हूँ? अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। और ये देखो तुम्हारी महानता कि जरा सा भी घमंड नहीं है तुम्हें। स्वराज आज मेरे साथ चलो ना, मैं चाहती हूँ कि मैं नानी को बता सकूँ कि तुम कितने अच्छे हो। और देखना जब नानी तुम्हारी सच्चाई जान जाएगी ना तो उन्हें भी समझ आ जाएगा कि उनकी सोच तुम्हारे लिए बिल्कुल गलत थी। तू अपना निर्णय बदल दे बेटा, वो डाकिनी बहुत खतरनाक है। नानी जिस पर अम्बे माँ का आशीर्वाद हो वो हर खतरे से लड़कर जीत सकता है। शायद उस डाकिनी का विनाश ही मेरे जन्म का उद्देश्य है। नानी मुझे अपना उद्देश्य पूरा करना होगा। अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए अब सती क्यों ना होना पड़े, कर्तव्य पथ पर मृत्यु को क्यों ना गले लगाना पड़े, मैं अपना धर्म जरूर निभाऊंगी। शपथ लेती हूँ मैं अम्बे माँ की, मैं अपने पति और उस रानी साहब दोनों को उस डाकिनी के चंगुल से छुड़ाऊंगी और उस गुमराह बेटे को अपनी असली माँ से जरूर मिलवाऊंगी। जय अम्बे माँ।
ये अभी क्यों शुरू हो गई? अगर इस लड़की को मुझ पर संदेह हो गया ना तो मेरा उस सुनैना तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नानी, मुझे आशीर्वाद दो नानी कि मुझे अपने कार्य में सफलता मिले। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। अब जब तूने ठान ही लिया है बेटा, तो जा और सफल होकर लौटना। बेटा, बहुत खतरनाक रास्ते पे चलने जा रही है तू। माता जी का ये आशीर्वाद हर संकट में तेरी रक्षा करेगा। बेटा, मंदिर से सिंदूर की डिबिया तो लेकर आ। बेटा, अपने पास ये सिंदूर की डिब्बी हमेशा रखना। तुझे पता है ना सिंदूर में कितनी शक्ति होती है? हाँ नानी, मैं सावित्री और सत्यवान की कथा भूली नहीं और ना ही कभी भूलूंगी। पर बेटा, तू वहां जाएगी कैसे? वो महल तो अदृश्य है। मुझे उस रहस्यमय महल में पहुंचना है ताकि उस डाकिनी के अत्याचार से मैं रानी साहब और अपने पति को बचा सकूं। हे अंबे मां, राह दिखाओ।